हर राइडर के पास ऐसा बैकपैक होना ही चाहिए। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहा है सुबह का 7:30 और मेरा आज प्लान बना था राइड करने का, तो काफी मन कर रहा था आज कि राइड करी जाए। और आज है संडे, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं अपने बैकपैक को। यह है कार्बोनाडो की तब से थाई बैग। तो मेरे को काफी मन था इसको पहन के राइड करने का, और इसका एक छोटा सा रिव्यू बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मेरा काफी फेवरेट बैकपैक बन गया है। इसका लुक देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ लुक काफी सेक्सी दिखता है भाई, है नहीं? लगता नहीं लगता है? एक राइडर का बैकपैक टाइप लगता है इसका। आज रिव्यू करने वाले हैं, तो मैंने सोचा आज राइड करते हैं कि इसके साथ मैं राइड कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। मतलब थोड़ा यार यहाँ पे पहनूंगा थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होगा इस पहली राइड में, ऐसा ही बताऊँ तो, क्योंकि पहली बार मैं ऐसा कुछ यूज करने वाला हूँ। वाई सी की चेंज आती है इसमें, और देखो इसमें स्पेस देखो भाई कितना सारा है। तो मैंने पहले से इसमें सामान डाला हुआ है काफी, और एक पॉकेट ये है, एक पॉकेट ये है, एक पॉकेट ये है, एक मेन पॉकेट भी आती है जिसमें हम अपना पूरा सामान रख सकते हैं, काफ़ी सामान स्टोर हो जाएगा अपना। एक मेन जो हम पीठ में डालते थे बैग, वो हमें ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स गुड। इसमें एक स्ट्रिप देती है जो हमारे कमर में आएगी, और एक ये है जो हमारी थाई में आएगी। तो एक बार इसको पहन के देख लेते हैं, लाइक दिस लॉक, तो लाइक दिस। अब लग रहा है ना भाई एक राइडर का बेस्ट फ्रेंड टाइप। मेरे को काफी बेस्ट लगा था ये बैग और मेरा फेवरेट है, तो मस्त करके आज चलते हैं। और संडे भी आज, तो निकलते सीधे, मिलते हैं सीधे आपको बाइक में। तो हमको इसमें अपनी की रखनी है, तो की रख लेते हैं। ये कितना इजी है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो की है, इसको हम लटका भी सकते हैं, यहाँ पे लॉक दे रखा है, बस लटका दिया। चाबी ढूंढने की जरूरत भी नहीं है इसमें, और हमें थोड़े पैसे रखने हैं तो हम पैसे अपने यहाँ पे डाल सकते हैं, इजी। पॉकेट बंद, नाइस। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ फिलहाल। तो हम आ चुके हैं अपनी बाइक में, और भाई आज सीरियसली मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद आज संडे राइड कर रहा हूँ। तो भाई मिले तो है ही एक्साइटमेंट का दिन, और थोड़ी लेट हो गई है निकलते, मतलब भाई राइडिंग गियर्स पहनते, क्योंकि ना आदत नहीं रही अब राइडिंग गियर्स पहनने की, तो बाइक भी मेरी कभी निकलती है, तो मैं कभी निकालता हूँ इसलिए, क्योंकि मेरी लॉन्ग राइड स्टार्ट होने वाली है, बस मैं काम कराते जा रहा हूँ, तो गाड़ी चला कम रहा हूँ, तो गाड़ी की परफॉर्मेंस ही हो धीरे धीरे करके और इन्हेंस होते जा रही है। तो हम इसमें जो भी सामान डला रहे हैं वो उससे गाड़ी और बेटर बनते जा रही है। जैसे कुछ टाइम पहले मैंने अभी इसमें हैंडल बार राइजर लगाए थे, तो उससे गाड़ी काफ़ी बढ़िया हो गई है, और मैंने डोमिनार नॉर्मल वाली चलाई ना एक फ्रेंड की अपने, तो मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था, पता है वो फील नहीं आ रहा था डोमिनार चलाने में। अब भाई मेरे को ना हैंडल बार रेजर की आदत पड़ गई है, तो संडे राइड का थोड़ा फील लेते हैं। और सबसे पहला हमारा काम है, हमें पेट्रोल फिल करना है, पेट्रोल थोड़ा कम है। इट्स सो इजी भाई, बस चेन बंद, नाइस, लेट्स गो। सो भाई आपने देखा कितना इजी हो गया, पहले मेरे को बैग पूरा उतारना पड़ता था, और उसके बाद मेरे को पेमेंट करनी पड़ती थी उनको, फिर पहनना पड़ता था खाली। अब मेरे को एक चेन खोलनी है और पर्स निकालना है, सीधे पैसे देना है, रखना है, चेन लगानी है, बस। स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, मतलब स्टार्टिंग में 5-10 मिनट थी ना वो मेरे को काफ़ी ऑकवर्ड लगे, अब जाके भाई मेरे को काफ़ी कम्फर्टेबल फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक राइडिंग का पार्ट ही है, तो ऐसा फील आ रहा है, और भाई काफ़ी सही लग रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, देखो मस्त। जय श्री राम। फिलहाल लास्ट संडे है, एंजॉय करते हैं भाई, और मैं आपसे थोड़ी बात भी करूँगा अपनी लॉन्ग ट्रिप के बारे में, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी अब निकल रहा हूँ इस महीने, आज है 23, तो मैं निकल रहा हूँ करीबन 28 तक, तो काफ़ी चीज़ें भी ऑर्डर में लगाई हैं, तो वो चीज़ें आने तक का मैं वेट कर रहा हूँ, और जैसी वो चीज़ें आ जाएंगी मैं आपको दिखा दूंगा, अनबॉक्सिंग वीडियो बनेगी, और क्या क्या मैं यूज़ करता हूँ एक वीडियो वो बनाएंगे, पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे। भाई मज़ा आता है अली रोड में यार भगाने में भाई। तो फाइनली हमने अपनी पेट पूजा कर ली है,
भूख लग रही थी काफी, तो मैंने सोचा थोड़ा रुक के खा लेते हैं रास्ते में। अभी मैं खाना खाने रुका हुआ था, तो वहां पे मैंने पेमेंट कर रही थी, तो इतनी इजीली पेमेंट करी ना मैंने, मैंने अपने थाई बैग की चेन खोली और कैश निकाल के उनको दे दिया था, तो इतना इजी हो गया ना ये कैरी करना अब, तो भाई मेरे को काफ़ी अच्छा लगा थाई बैग। अब भाई मेरे को इसकी ना आदत जैसी हो गई है, अब ये मेरी राइड को इतना इजी बना देगा ना, तो ये जो चीज़ें हैं ना सारी, ये आगे जाके मतलब राइड में काफ़ी इजी बनाए थे आपकी राइड को। और भाई मैं जानता हूँ भाई ट्रबल कितना होता है, बैग निकालो राइड पे, ये करो वो करो, तो इट्स इजी। सो एनीवेज राइड को एंजॉय करते हैं यार, इट्स संडे। संडे कह रहा हूँ, संडे में ट्रैफिक भी तो बहुत होता है भाई, ये हमको टाइम से निकलना चाहिए था। भाई इसको लेटाने में ऐसे मजा आ रहा है, नाइस। क्या फील आ रहा है, क्या मज़ा आ रहा है भाई। मैं राइड से रिलेटेड भी आपको चीज़ें बता दूंगा कि जो जो अब मॉडिफिकेशन बाइक में होने वाले हैं ना, ये मेरा एक्सपीरियंस होने वाला है, जो भी मैं चीज़ चलवाऊंगा मैं आपको डिटेलली एक्सप्लेन करूंगा ये चीज़ क्यों करी है, किस लिए करी है, विद रीज़न भी होगा चीज़ें। और भाई चीज़ें काफ़ी आने वाली हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है सही बताऊँ तो। और ओ भाई मिनी कूपर खड़ी है, ओ नाइस, कितनी छोटी सी लगती है ना स्विफ्ट जैसी, लेकिन भाई पावर बहुत है इसमें, चला ही नहीं ऑफ कोर्स पता है, थोड़ा फिगर्स पता है थोड़ा बहुत, भागती कैसे है क्या है करके। तो इससे पहले हमने नॉर्थ इंडिया की राइड करी थी, अब हम करने वाले हैं साउथ इंडिया की राइड, तो हम अब साउथ जा रहे हैं, तो मैं फाइनली अनाउंस कर रहा हूँ कि अब हम साउथ इंडिया की राइड करने वाले हैं। और ये चीज़ ना काफ़ी इंसेन होने वाली है, इससे पहले वाली जो सीरीज़ थी जो मैंने नॉर्थ इंडिया करा था उसमें वो उसका 1% भी नहीं था, अब जो चीज़ें होने वाली हैं वो नेक्स्ट लेवल होने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे वीडियो का मोटिव ये रहेगा कि जितना भी मैं राइड में अपना खर्चा कर रहा हूँ वो मैं आपको सारा बताऊँ, और मिनिमम टू मिनिमम खर्चे में हम राइड करेंगे अपनी, और वो सारा खर्चा मैं आपको बताऊंगा कि मेरे एक दिन का खर्चा कितना आया और ओवरऑल मेरी पूरे राइड का खर्चा कितना आया, वो सारा मेरी वीडियो में रहेगा आपसे। और अब नेक्स्ट लेवल चीज़ें जाने वाली हैं, तो वेट फॉर इट। अभी मैं जस्ट बैठा हुआ था, जब मैं ये बैग लिया था थाई बैग, तो मैंने सोचा था कि ये बैठने में मेरे अटकेगा या प्रॉब्लम करेगा राइडिंग करते समय या क्या करते समय, अब ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी का पार्ट ही है बैग, और काफ़ी इजी हो गया है सारी चीज़ें करना। और अभी हम रुके हुए हैं थोड़ा साइड में, थोड़ा फील ले रहे हैं बाइक का, भाई चीज़ें निकलते हैं घर पर। और भाई मज़ा आ गया आज राइड करते हुए, और थोड़ा खा पी भी लिया, अब सीधे निकलने का टाइम आ गया भाई। तो ये जो प्रोडक्ट पे रिव्यू था, तो ये मेरा इनिशियल इंप्रेशन था, ये प्रोडक्ट मेरे को कितना बढ़िया लगा राइड के लिए, और ये प्रोडक्ट हमारा राइड को कितना इजी बना सकता है ये आपने देख ही लिया है। और भाई मेरे को तो ये काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मतलब हर राइडर के पास ऐसा बैकपैक होना ही चाहिए। राइडर्स जा रहे हैं राइडर्स, तो मेरे को तो ये काफ़ी पसंद आया और हर राइड में मेरे साथ ही रहेगा। ये छोटा सा रिव्यू था एक, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। तो मिलते हैं आपको किसी ऐसी एक फ्रेश वीडियो में, टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।